भिलवाड़ा में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, 80% झुलसी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज। भिलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बिलिया में रहने वाली गायत्री सासी का अविवाह 8 साल पहले संजय सासी से हुआ था। शादी के बाद गायत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान महिला ने 3 बच्चों को जन्म भी दिया, लेकिन दहेज के लिए लगातार गायत्री को परेशान किया जाता रहा और आखिरकार दहेज लोभियों ने गायत्री पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। 80% झुलसी हुई गायत्री को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बर्न 80% से ऊपर का है और उसकी कंडीशन में भी फिलहाल ठीक नहीं लग रही है, ऐसे बातचीत कर रही है लेकिन जनरल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है। क्या कारण क्या बता रहे हैं? कारण जो उनके फादर मदर बता रहे हैं कि इसको केरोसिन डाल के जला गया है। शादी के 8 साल लगातार पीड़ित होती रही गायत्री अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इधर दहेज लोभी ससुराल पक्ष पुलिस पकड़ से बाहर है। खाद्य विभाग की POS योजना का शुरू होने से पहले ही बंटाधार बैठ गया है। यह योजना 10 दिसंबर से लागू होने वाली थी, लेकिन अब तक इस योजना का कुछ अता पता नहीं। राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य विभाग अब तक पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, इसलिए विभाग ने POS योजना लाने का फैसला लिया। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल। इस मशीन के द्वारा कालाबाजारी तो रुकेगी ही, इसके साथ साथ हर दुकानों का हिसाब किताब भी इसी मशीन के द्वारा किया जाएगा। यानी अब राशन डीलर्स इस मशीन के लगने के बाद राशन की हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। राजधानी में यह योजना 10 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, इसके लिए जयपुर प्रशासन राशन डीलर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा था, लेकिन अभी भी कई राशन डीलर्स ऐसे हैं जिन्हें अब तक ट्रेनिंग नहीं दी पाई। बताया जा रहा है कि यह मशीन राशन डीलर्स तक महीने के अंत में पहुंचेगी। एक ही अकाउंट से अभी वो नरेगा का काम कर लेगा, एक ही उसी अकाउंट से PDS का गेहूं का पैसा कट जाएगा, जो गेहूं नहीं देते उसको पैसा दे देंगे, जब चाह उस हिसाब से पैसा निकाल लिया, उसी कार्ड से वो जाएगा। जैसे जयपुर में हमने POS मशीन कल से चालू की है, POS मशीन की ट्रेनिंग शुरू हो गई है पूरे जयपुर के लिए। POS मशीन जैसे वहाँ डालेंगे, वहाँ वो कार्ड डालेगा और उसको मान लीजिए 5 गेहूँ चाहिए, 5 KG गेहूँ चाहिए, 5 KG गेहूँ निकाल लिया, उतना पैसा कट गया। हाईकोर्ट कालाबाजारी को लेकर सख्त है, लेकिन जिला प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल सुस्त बना हुआ है। ऐसे में कालाबाजारी कैसे रुकेगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। टोंक के शहादत अस्पताल के मुख्य द्वार पर 1 साल से जड़ा है ताला। इमरजेंसी सुविधाएं हो रही बाधित, मरीज और तीमारदारों के साथ एम्बुलेंस संचालक हो रहे परेशान। दरअसल टोंक का शहादत अस्पताल का मुख्य द्वार पिछले 1 साल से बंद है, ऐसे में अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनाना वार्ड में जाने के लिए प्रसूताओं को भी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं 108 एम्बुलेंस को इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों को पहुँचाने के लिए 2-4 होना पड़ रहा है। कई बार गंभीर घायलों को और रेफर मरीजों को अस्पताल के दरवाजे पर ही दम तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। टोंक के अंदर जो एंट्रेंस अस्पताल की जो मुख्य द्वार बंद है वो मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन अभी एंट्रेंस ठीक करने के लिए हमने माननीय मंत्री जी पधारते, उनसे निवेदन किया था, उसके 27 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। अब गेट भी खुलेगा और हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस सीधे वहाँ जो रैम्प बने वहाँ चढ़े और स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर दूर से नहीं ले जाना पड़े, उसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए अस्पताल प्रशासन को ताला खोलने के आदेश तो दिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया। अब देखने वाली बात है कि आखिर इन दोषी चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कितनी जल्द कार्रवाई हो पाती है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर और परिजनों के बीच हुए झगड़े का असर बीकानेर में भी देखने को मिला है और यहां SP मेडिकल कॉलेज से संबंध रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी जोधपुर मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ स्ट्राइक शुरू कर दी है। बीकानेर के PBM हॉस्पिटल में आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया, जिससे इंडोर के साथ साथ आउटडोर के मरीजों में भी असर देखने को मिला। रेजिडेंट और परिजनों के बीच झगड़ा कोई पहली बार नहीं है, परंतु इस तरह से हड़ताल पर जाना मरीजों के साथ तो अन्याय है। दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टरों का ये कहना है कि लगातार परिजनों द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनका नौकरी और कामकाज करना दूभर हो गया है।
9 तारीख की सुबह की घटना है, मथुरादास माथुर अस्पताल में रेजिडेंट्स के साथ मारपीट की गई। ऑन ड्यूटी रेजिडेंट्स थे, कोई मरीज के परिजन ने मारपीट की, गाली गलौज किया। उस संदर्भ में हम सभी लोग आज जोधपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स की स्ट्राइक के समर्थन में हमने सुबह 9 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, और ये हमारा कार्य बहिष्कार तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे रेजिडेंट्स को न्याय नहीं मिल जाता। अब देखना होगा इस नए मामले में रेजिडेंट डॉक्टर कितना जल्द हड़ताल को समाप्त कर वापस काम पर लौटते हैं और राज्य सरकार कितना जल्द रेजिडेंट की सुरक्षा का आश्वासन दे पाती है। 2 वर्ष पूरे होने पर एक तरफ सत्तारूढ़ दल जश्न मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार देकर उसे घेरने में लगी है। प्रदेश भर सहित अलवर में भी नगली सर्किल पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। 13 दिसंबर को भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसे लेकर भाजपा ही उत्साहित हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 2 वर्ष के कार्यकाल को कुशासन बता रही है। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के जश्न से पहले सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए जोरदार हल्ला बोल दिया। नंगली सर्किल पर टेंट लगाकर सुबह 11 बजे सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस जन एकत्र होना शुरू हुए और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार 2 वर्ष के दौरान आम जन से दूर रहकर पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करती रही। पिछले 2 साल के अंदर एक जो माहौल बदल रहा है, बहुत तेजी से माहौल बदला है। सरकारें हमने बहुत सारी देखी हैं और 4 साल में जो 4.5 साल के अंदर जो ग्राफ नीचे गिरना चाहिए, 1.5 और 2 साल के अंदर गिर चुका है। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप के इस माहौल में फिलहाल पूरे प्रदेश में कहीं जश्न तो कहीं धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पर्यावरण संतुलन और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए उतरी है रशियन महिलाएं। 27 दिनों से रशियन महिलाओं ने स्कूल के अंदर कैंप लगाकर बच्चों को कई तरह के गुर सिखाए। राजगढ़ के अलावड़ा में पर्यावरण संतुलन के लिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चल रही संपूर्ण विश्व की चिंता को लेकर सिल्वर अर्थ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सम सेवकों के द्वारा वेलफेयर एंड पार्टनरशिप ब्रांड ट्यूमरो की तरफ से कार्यक्रम 27 दिन से विद्यालय के अंदर चल रहा था, जिसकी आज समाप्ति हो चुकी है। कार्यक्रम को लेकर बच्चों के अंदर कई तरह की गुण सिखाए गए ताकि प्लास्टिक और रिसाइकिलिंग जैसी सुविधाओं से बचा जा सके और पृथ्वी को सुरक्षित बनाया जा सके। अब ये देखना होगा कि रशियन महिलाओं के द्वारा जो बच्चों को पाठ पढ़ाया गया, बच्चे उन पर कब तक खरा उतर पाते हैं और पृथ्वी को किस तरह से संतुलन बनाए में अपना सहयोग दे पाते हैं। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद, हिरणमंगरी से झामर कोटडा जाने वाली सड़क से हटाया अतिक्रमण, करीब 65 परिवारों को किया पुनर्वासित। उदयपुर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। आज उदयपुर नगर विकास प्रयास की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल शहर के हिरणमंगरी से झामर कोटडा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर पिछले लंबे वक्त से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर आज UIT ने अतिक्रमण निरोधी दस्ते की कार्रवाई की। UIT के सचिव RN मेहता ने साफ किया है कि मुख्य सड़क पर करीब 65 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिस वजह से ये सड़क काफी छोटी और दुर्घटना का सबब बनी हुई थी। UIT की कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस के जवान और UIT के आला अधिकारी मौजूद रहे। 65 परिवार है ये, इन सारे 65 परिवारों को यहाँ से हटा करके इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत इनका रिहेबिलिटेशन पुनर्वास किया है ताकि ये वहाँ तरीके से रहे और यहाँ सड़क मार्ग अधिकार के अंतर्गत किसी प्रकार का सड़क की दुर्घटना का खतरा नहीं रहे। UIT की इस कार्रवाई के बाद बेघर हुए 65 परिवारों को अब सरकार इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम प्रोजेक्ट के तहत पुनर्वास करके बसाया जाएगा। राजस्थान में BJP सरकार 2 साल पूरे कर तीसरे साल में कदम रखने जा रही है, वहीं कांग्रेसियों को भी अब जनता से जुड़े मुद्दे याद आने लगे हैं।
सरकार के दो साल पूरे हो जाने के बाद कांग्रेस को अब मुद्दे याद आने लगे हैं। दो साल तक किसी भी बड़े मुद्दे पर अपनी मौजूदगी न दिखाने वाली प्रदेश कांग्रेस उंगलियों पर समस्याएं गिनाते हुए सरकार को घेरने की बातें कह रही है। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे करने के बाद तीसरे साल में कदम रखने की तैयारी की तो प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आज श्री गंगानगर में भी अक्सर अलग थलग रहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए और सड़कों पर उतरे। इन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी मांग भी है कि सरकार अब लाइन बना के लोगों को काम करे। दो साल में एक भी काम नहीं हुआ, उसी का नतीजा है कि जहाँ 150 आदमी आते थे आज हजारों की तादाद में लोग आए हैं। तो जनता के मन में पीड़ा है, धोखे से आई हुई सरकार कुछ जगाने के लिए और अपने काम कराने के लिए। जिस जिले में दो साल में एक भी काम नहीं हुआ वो जनता क्या करेगी। सरकार के कार्यकाल से हर वर्ग नाखुश है। कांग्रेसियों ने दो साल के जश्न पर भी सवाल उठाते हुए इसे फिजूल खर्ची करार दिया। अब जबकि कांग्रेसियों ने साफ किया है कि वो आने वाले समय में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे, अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कांग्रेसी ऐसा कौन सा मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो सरकार को घेरते नजर आएंगे।